में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के एक स्टेटमेंट पर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक के सुधीर चौधरी को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सनातन धर्म के विषय में उन्होंने चूंकि राजस्थान में एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत का चिर सनातन चिर धर्म या भारत की आत्मा सनातन धर्म है, सुधीर चौधरी ने पूछा तो ये कंट्रोवर्सी के रूप में फिर सामने आया और उन्होंने साफ कहा कि भारत की तो आत्मा ही सनातन है और सनातन को जो नहीं समझता वो उसका रास्ता अपना अलग है। सुधीर चौधरी ने ये भी पूछा कि सनातन को नहीं समझता का मतलब भारत में क्या, तो उन्होंने कहा नहीं मैं किसी को भारत से निकाल नहीं रहा हूँ लेकिन भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सनातन की परिभाषा समझनी चाहिए, ये समझना चाहिए सनातन का मतलब क्या है। जो लोग भी सनातन धर्म को पंथ के साथ या संप्रदाय के साथ कंपेयर करते हैं या तो वो बुद्धिमान नहीं है या उनको भारत की परंपराओं के बारे में मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि ये संस्कृति की बात है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, जो नहीं मानता वो अपना उसका स्वभाव है, वो अपने लिए क्या सोचता है वो कैसे सोचता है ये वो जाने। हालांकि आगे उन्होंने और भी सारी चर्चाएं की। अब सनातन का जो डेफिनेशन है वो समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सनातन का पर्यायवाची हिंदूवाद में कहा जाता है और हिंदू सिंधु से निकला हुआ शब्द है। सिंधु से मतलब है कि सिंधु और महासागर, सागर हमारे पास सिंधु के रूप में अगर आप संस्कृत ग्रंथों को पढ़ेंगे तो फिर हम हिंद महासागर को भी सिंधु कहते हैं और आप रामायण को पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी सिंधु पार, सिंधु को सिंधु पर बांध बनाना यानी कि भगवान राम ने जो बांध बनाया श्रीलंका जाने के लिए, लंका जाने के लिए उस समय, उसको सिंधु पर बांध बनाना कहा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया और जो एक नदी सात नदियों से मिलकर बनी ऐसी सिंधु नदी भी हमारे पास है, उसी के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता, हम उसको सभ्यता कहते हैं। जो लोग अभी भारत में ही जो असम में रहते होंगे वो सा को हा प्रोनाउंस करते हैं और पश्चिमी देशों के लोग सा को हा कहते थे, इसलिए वो चूँकि वो यहाँ पर आक्रांता के रूप में आए उन्होंने इसको हिंदू कहना शुरू किया, सा को हा प्रवेल कहना शुरू किया और जब उन्होंने शासन किया तो सारे रिकॉर्ड्स में नाम परिवर्तन कर दिया और नाम ऐसा भी कहते हैं कि हिंदू नाम भी पहले शालिवाहन के समय पर हिंदू नाम मिला है, हालांकि बाद में कालांतर में इसका नाम हिंदू हो गया। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू एक धर्म है जिसको आप सनातन धर्म कह लेते हैं क्योंकि जगह का घोतक है हिंदू, इस पार्टिकुलर भूभाग उपमहाद्वीप का घोतक है हिंदू, यानी कि उपमहाद्वीप को ही हिंदुस्तान कहा जाता है, सिंधुस्तान कह लीजिए जिसके तीन तरफ सिंधु है और एक तरफ हिमालय है तो उसको सिंधु कहा गया, यानी कि हिंदू प्रदेश कहा गया, हिंदू देश कहा गया, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। और नब्बे सुप्रीम कोर्ट की अगर माने तो सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की एक बेंच का 1966 का एक जजमेंट है, 1966। मैं आपको बता देता हूँ शास्त्री यजना पुरुषाद जी एंड अदर्स वर्सेस मूलदास भुदरदा वैश्य केस 1966 में आया था। इसमें हिंदुइज्म को परिभाषित किया गया था और इसमें कहा गया था कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। ये इस भूभाग में, ये पांच जजों की बेंच का जजमेंट है, इस पार्टिकुलर भूभाग में जिसको आप उपमहाद्वीप कहते हैं तो इस उपमहाद्वीप में जो लोग भी रहते हैं उनकी जो जीवन शैली है, उनकी जो जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को ही सनातन पद्धति कहते हैं, उसको ही धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषाएं बहुत सारी निकालने की कोशिश की गई, धर्म का मतलब सिर्फ वे ऑफ लाइफ से है, वे ऑफ लाइफ के अंदर यानी कि जो यहाँ की संस्कृति है, संसार के साथ हमारा संबंध कैसा हो, हमारा आचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा सदाचार कैसा हो, तो आचार व्यवहार सदाचार और बेसिकली धर्म को ड्यूटी से काउंट किया गया है कि ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन इज अ धर्म,
प्रत्येक व्यक्ति की जो कर्तव्य परायणता बताई गई है उसको ही धर्म से जोड़ा गया है, इसमें राइट को कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अगर कर्म आधारित, या मैं कहूं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी ड्यूटी मान ले और ये माने कि उसकी ड्यूटी फेल नहीं होनी है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, तो आपको लगता है कि किसी को राइट मांगने की आवश्यकता है? राइट मांगना फिर विवादित बात रहेगी। कम्युनिस्ट फिलॉसफी या जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो पूरी राइट्स पर आधारित है, इसलिए झगड़े उनकी मूल भावना में हैं। लेकिन भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की जो जीवन शैली है वो कर्तव्य आधारित है, इसी को धर्म कहा गया है। हालांकि धर्म का बहुत व्यापक, बहुत बड़े शब्द हैं, लेकिन धर्म को अलग अलग तरह से ऋषियों ने अलग अलग तरह से निकाला। मैं अगर विधिक लोगों की बात करता हूँ, मैं राजतंत्री लोगों की बात करता हूँ, मैं जिस समय प्रशासन की बात करता हूँ, तो प्रशासनिक विधियाँ, रीति, जो रीति है उसको भी धर्म कहा गया है। इसीलिए उस रीति में राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म और सबके धर्म अपने अपने बताए गए हैं, और उन धर्मों को किसी भी हालत में रिलीजन नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो नास्तिक है वो भी धार्मिक हो सकता है, वो भी धर्म को पालन करता है, वो भी सनातन धर्म का व्यक्ति हो सकता है। इसलिए अगर कभी आपने सुना है कि ये व्यक्ति मंदिर नहीं जाता तो ये हिंदू नहीं है, ये व्यक्ति कभी पूजा पाठ नहीं करता तो ये हिंदू नहीं है, ऐसी कोई परिभाषा भारत में नहीं है, इसलिए रिलीजन के साथ उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो फिर शास्त्री जी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1966 में ही ये निर्धारित कर दिया था, और उस समय ऑनरेबल जस्टिस गजेंद्र गढ़कर, आप जानते हैं कि गजेंद्र गढ़कर साहब कितने ब्रिलियंट जजेस में आज तक माने गए। इसके बाद 10 वर्ष बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक केस आया, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स मद्रास वर्सेस लेट आर श्रीधरन, 10 साल बाद। इसमें भी उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म, अब इसमें हिंदुइज्म को डिफाइन किया है, हिंदुइज्म इज ए सिंबलाइज कल्चर एंड नॉट रिलीजियस प्रैक्टिस। हिंदुइज्म को एक कल्चर की तरह लिया जाता है, सिंबलाइज कल्चर है जिसका सबको पालन करना है, इसको रिलीजन की तरह नहीं लिया जा सकता। अभी अब 1995 में आधुनिक जो आजकल का मामला चल रहा है, 1995 में एक और जजमेंट आया, इस जजमेंट को डॉक्टर रमेश प्रभु वर्सेस श्री प्रभाकर कुंटे केस कहते हैं। 1995 का जजमेंट है, ऑनरेबल जस्टिस जे एस वर्मा 3 जजेस की बेंच को लेकर डिसाइड कर रहे हैं। इसमें हुआ क्या था कि मनोहर जोशी जो कि शिवसेना से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के भाऊराव पाटिल को हराया था, मामला कोर्ट चला गया और ये कहा गया कि हिंदुइज्म का प्रचार, यानी कि शिवसेना ने चुनाव लड़ा वो हिंदुइज्म के आधार पर लड़ा, और ये कहा गया कि हिंदुइज्म जो है उसके आधार पर आए हैं और सेकुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फिर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट RPA के धारा 123 में, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो भारत में चुनाव लड़ना चाहता है उस वो सेकुलरिज्म के आधार पर चुनाव लड़ सकता है, वो सेकुलर होना चाहिए, चुनाव में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था, किसी प्रकार की रिलीजियस टॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि मनोहर जोशी शिवसेना से थे इसलिए हिंदुइज्म ही उनका एजेंडा था, अब हिंदुइज्म एजेंडे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। और अब जस्टिस जे एस वर्मा जो कि उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, 3 जजेस की बेंच ने 1990 की पिटीशन को 1995 में डिसाइड किया, और उन्होंने साफ कहा कि देखिए ये बात तो आपकी ठीक है कि इनका चुनाव उसके आधार पर हुआ है, लेकिन ये कोई भी मामला हिंदुइज्म को डिफाइन नहीं करता। हिंदुइज्म का मतलब नॉन सेकुलर नहीं, हिंदू स्वयं में एक सेकुलर शब्द है, और हिंदू अगर स्वयं में एक सेकुलर शब्द है तो क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो आपकी उपासना पद्धति है, जो आपकी पूजा पद्धति है, वो धर्म से उसका लेना देना नहीं है। ये ज़रूर है कि जो उपासना पद्धति है वो धर्म से कॉम्पेटेबल है, इसलिए वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं कि भारत में ज्ञानमार्गी लोग हैं और भारत में मूर्ति पूजक भी हैं, यानी कि भक्ति मार्गी भी हैं, तो भक्ति आंदोलन भी भारत में हुए हैं, भक्ति आंदोलनों का उद्देश्य भी विदेशी आक्रांताओं की शक्तियों को उखाड़ फेंकना या फिर करप्शन को समाप्त करना हुआ करता था। अगर मैं ये कहूँ कि भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण भारत में पनप रही करप्ट प्रैक्टिसेस या धर्म से भटकना रहा है, जो लोग भी प्रैक्टिस शासन प्रशासन जिस समय धर्म से भटका और उसने अपनी चलाने की कोशिश की या उसने समाज को बिगाड़ कर वहाँ शासन करने की कोशिश की, तो फिर भारत में समय समय पर भक्ति आंदोलन हुए हैं।
मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि भक्ति और शक्ति दोनों का समग्र मिलन ही धर्म है, और शक्ति के आधार पर पीनल लॉज भारत में सबसे पहले पारित हुए। शक्ति के आधार पर भारत में धर्म से भटकने वालों को पनिशमेंट की प्रावधान है। और भारत में आपकी पूजा पद्धति कौन सी हो, वो पूजा पद्धतियाँ चूँकि भारत के धर्म सनातन धर्म के आधार या सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स थे उन प्रिंसिपल्स को समाहित करते हुए ही भारत में तमाम तरह की पूजा पद्धतियां इस्टेब्लिश हुई, तमाम तरह के दार्शनिक इस्टेब्लिश हुए, लेकिन उनमें से एक ने भी धर्म को कहीं किनारे नहीं किया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स अगर लोकल बनाए तो वो धर्म के अंदर, धर्म के दायरे में ही बनाए। अब चूँकि धर्म के दायरे में ही पूजा पाठ की पद्धतियाँ डेवलप हुई थी, धर्म के दायरे में ही सारी आराधना पद्धति डेवलप हुई थी, इसलिए वो एक दूसरे से मैच करते हैं। लेकिन जब कोई विदेशी आक्रांता या विदेशी भूमि को मानने वाला या विदेशी शक्तियों को मानने वाला, विदेशों में अपने पूर्वजों को ढूंढने वाला इससे कंपेयर करता है तो फिर वो अपने आप को नॉन हिंदू कहता है। भारत में जो कोई भी ये कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, इसका मतलब वो भारत की राष्ट्रीय भावना, भारत का जो राष्ट्रीय तत्व, भारत का जो राष्ट्रीय स्वभाव है, भारत का जो कल्चर है, भारत इस भूमि की जो शक्ति है, इस भूमि का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं या तो खाड़ी को या बेतलहम को मानने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दूसरी संस्कृति में घुसता है, दूसरी संस्कृति को स्वीकार करने की कोशिश करता है, तो फिर वो अपने आप को कहता है कि वो हिंदू नहीं है। इसीलिए सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति को ही नहीं मानता। इस भूमि पर कब्जा करना उसका उद्देश्य रहता है, इस भूमि पर किसी न किसी प्रकार से इस भूमि को रौंदना उसका उद्देश्य रहता है। यहाँ की संस्कृति संस्कारों को वो नहीं मानता है या उनको स्वीकार नहीं करता है, इसलिए वो यह इस भूमि को अपनी भूमि नहीं मानता। मेरा मानना है कि ये सारा का सारा जो चक्कर है, ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है, ये भारत भूमि को न मानने वाले ही अपने आप को अहिंदू कहते हैं या ये कहते हैं कि वो हिंदू नहीं। अब बहस चल ही गई है, कोर्ट बैठ ही गया है। तो एक चीज़ और 2016 में आई, 7 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में बैठी। तीस्ता शीतलवाड़ हम सब जान ही रहे हैं, तीस्ता शीतलवाड़ और एक राइटर हुए हैं शमशुल इस्लाम, ये और सीनियर जलनी दिलीप मंडल, आजकल भी उनका चल रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली। उस पिटीशन में इन्होंने कहा कि जो हिंदुइज्म है, हिंदुत्व तो भारत में नेशनलिज्म और सिटीजनशिप का एक मार्का बन गया है, और भारत जबकि सेकुलर लिखा हुआ है, तो जब ये मार्का बन गया है और भारत सेकुलर लिखा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में ये हिंदुइज्म का जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो ये हिंदुइज्म को नेशनलिज्म से जोड़ते हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, या भारत की नागरिकता को राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, इनके खिलाफ एक ऑर्डर किया जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच 2016 में ऑनरेबल जस्टिस टी एस ठाकुर की अध्यक्षता में इसको उन्होंने डिसमिस कर दिया, और डिसमिस करते हुए 1966 के जजमेंट को साफ कहा कि 1966 में जो जजमेंट हुआ था शास्त्री के केस में, उसमें ये बताया गया है कि हिंदुइज्म या हिंदू या हिंदुत्व ये सेकुलर शब्द खुद में है, ये सबको स्वीकार करता है, लेकिन सिर्फ ये उनके प्रति रहता है जो भारत में रहकर भारतीय संस्कृति को अपना दुश्मन मानते हैं, भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जजों की बेंच का डिसीज़न है, उस डिसीज़न को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और योगी जी जो कह रहे हैं वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन या एज़ पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भारत की आत्मा हिंदुइज्म है, भारत की आत्मा सनातन है, सनातन संस्कृति, सनातन प्रैक्टिस, सनातन मूल्य, और सबकी आत्मा कुछ ना कुछ होती है। हर देश के बनने का एक कारण, एक सुविधा, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुसार भारत एक सनातन देश है, भारत की राष्ट्रीयता सनातन है, और भारत सनातन जो है वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मुझे लगता है योगी जी ने ये बहस छेड़कर पूरे देश को एक मैसेज दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि जो कोई भी ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है, वो ये मानकर चलता है कि वो इस भूमि से उसका लगाव नहीं है, इस भूमि को, भारत माता को अपनी माता नहीं मानता, भारत भूमि पर वो क्या सोचकर बैठा हुआ है ये उसने तय करना चाहिए।
इसीलिए जब उनसे ये पूछा गया कि आप जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं, जो लोग सनातन को नहीं मानते, आपकी परिभाषा नहीं मानते, वो उन्होंने कहा वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, पहले दिमाग से गंदगी निकालनी पड़ेगी, गंदगी जब वो निकाल लेंगे तभी भारत को वो भारत के भारत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा ये उनकी मर्जी है, हम तो भारत के राष्ट्रीय धर्म के रूप में सनातन को ही मानते हैं।